Hi students, today in this video we go for revision of question 2A. Our previous videos are of question 1. MCQs, true, false and blanks are of question 1 according to your paper pattern. And now we start question 2A. The exercise is who said this to whom? यानी जो चैप्टर्स हैं हमारे वंडरफुल वेस्ट एंड फ्लाइंग टुगेदर उसमें कुछ डायलॉग्स है जो किसके द्वारा बोले गए हैं और किसको वो बोले गए हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है. वी हैव टू मेंशन हियर नेम्स ऑफ टू कैरेक्टर्स. वी स्टार्ट नंबर 1. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स. द आंसर महाराजा आस्क्ड टू द कुक. महाराजा है जो वो कुक से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ये वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे. नंबर 2. दे आर वेस्ट वी विल थ्रो देम अवे. आंसर द कुक रिप्लाइड टू महाराजा. नाउ द कुक गेव आंसर टू महाराजा दैट दे आर वेस्ट यानी ये तो सब वेस्ट है हम उसको फेंक देंगे. सो दिस इज साइड बाय कुक टू महाराजा. नंबर 3. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. This sentence said by Maharaja commanded to the cook. Maharaja gave order to cook that use the vegetable scraps, don't throw them. यानी उसको फेंको मत, उसका आप use करो. So it is the Maharaja's order. और ये कौन बोल रहा है? Maharaja जो है वो cook को command दे रहे हैं. So these are the sentences of chapter 1 and now we go for chapter 2. And here are the sentences of chapter 2. Well, there is no hurry. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. Means, ये जो sentence है वो कौन बोल रहा है कि ये अभी creeper जो है वो छोटा है और उसको अभी destroy नहीं करना चाहिए. Answer, the geese said to the wise old बर्ड. जो गीज है बहुत सारे वो वाइज ओल्ड बर्ड को बताते हैं कि अभी ये क्रीपर को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल. नंबर 5. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव. द हंटर साइड टू हिमसेल्फ यानी ये जो कौन वो ये सेंटेंस जो है कि यही प्लेस है जहाँ पे वो गीज रहते हैं तो ये इस हंटर जो है वो अपने आप से ही बोल रहा है कि यही जो प्लेस है वहाँ पे ये सारे गीज रहते हैं. सो दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ चैप्टर 2 एंड यू हैव टू रीड ऑल द सेंटेंसेस एंड आंसर्स इन योर नोटबुक. थैंक यू.